हेलो दोस्तों, कैसे हो? हम जा रहे हैं जबलपुर और हम जाएंगे बाइक से बीएड इंट्रेंस एग्जाम। और रही बात शिक्षा के क्षेत्र की, जैसे कि बड़े भैया ने बताया कि 75 नंबर वाले वास्तव में गलत है सरकार की नीति, जहां 110 120 नंबर वाले रह जाएंगे और 75 नंबर वाले जो है सर्विस में लगेंगे। और अच्छे शिक्षक है जो पात्र है उनको पहली प्राथमिकता देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बच्चों का विकास से देश का विकास होगा। अगर हम देश के विकास में भी हम 120 नंबर वाले से 25 नंबर वाले को छोड़कर अगर 75 नंबर वालों को लगाएंगे तो वो क्या एजुकेशन देंगे? बाइक से जा रहे हैं, सर की ही बाइक है और हम दिखाएंगे आगे का नज़ारा। ये हम पहुंच गए आरटीओ, ये है पांडुतला मोती नाला जिला मंडला। आप यहाँ वाला पेट्रोल पंप है ना? ये मंडला पहुँच चुके हैं और ये मंडला वाला रास्ता है, ये है ना, और यहाँ से है बरेला। बरेला है 66 किलोमीटर, जबलपुर है 85 किलोमीटर, भोपाल है 386 किलोमीटर दूर। और यहाँ अभी भी काम चालू है रोड की खुदाई करके। देखो अभी 4 लाइन बचा हुआ है, ये देखो ये गाड़ियाँ चल रही है। सोच रहे हैं कि मंगोड़ा खा ले, और ये मटर है ना, और ये पनीर भी है। जबलपुर 19 किलोमीटर दूर। फाइनली हम लोग जबलपुर पहुँच चुके हैं। तो हमको आने में साढ़े चार घंटा लगे। क्यों सर? साढ़े चार घंटा लगा। और ये देखो इतना शानदार है। जबलपुर में हम लोग अपनी बहू रानी हैं और कबीर भाई साहब हैं, उनके रूम पे हैं। और देखो हमारी बहू रानी ने क्या क्या बनाया, देखो बहुत ही शानदार है। इधर पूरी भी है, पूरा सेवा सत्कार है सर जी भी। और हमने इतने घूमे कि घूम घूम के 2 घंटा तो ऐसे ही घूम गए। फिर बहू रानी गई, उसके बाद हम रूम पहुंचे और कबीर जी हैं ना, एग्जाम दे चुके हैं बीएड का। और अब हम जाने वाले हैं घर। रात में पूड़ी भी बना दी बहू रानी और सुबह खीर, अरे कह नहीं सकते, बहुत ही अच्छा है ना। तो ये हमारे कबीर भाई साहब हैं और जी हमारी बहू रानी है। आगे का नजारा दिखाएंगे कि आगे क्या है जबलपुर का, कचनार सिटी और क्या क्या सिटी है सबके बारे में। ये रहा कचनार सिटी, और कचनार सिटी आइए देखिए, बहुत ही शानदार बाबा भोलेनाथ का काफ़ी बड़ा मूर्ति है। देखिए बहुत ही सुंदर है, बाबा भोलेनाथ की जय। मुझे लग रहा है कि कचनार सिटी की जितना तारीफ करें उतना ही कम है बाबा भोलेनाथ की। ये रहा बहुत सुंदर मूर्ति, और सुनने के लिए मिला है कि बहुत सारे सॉन्ग का यहाँ पे रिकॉर्डिंग हुआ है, जैसे शंकर चौड़ा रे। ये देखो सब तरफ का नज़ारा, देखो ये देखो अंदर भी बहुत ही शानदार है। हम अंदर भी देखने का मौका मिला है ना, क्योंकि ये ऐसा नहीं है, अंदर इसका पूरा पोला है कि नहीं, यानी कमरे बने हुए हैं, बहुत ही शानदार है। अपने चैनल के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि इतना भव्य दृश्य आपको दिखा रहे हैं। ये मूर्ति के अंदर का भाग है, कमरे हैं, और जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग है सारे ज्योतिर्लिंग यहाँ पे अपने को देखने को मिलेगा। बहुत शानदार पब्लिक में शोर नहीं करने का रहा। अबे मंदिर से कमेंट कीजिए कैसे लगा। आप चलते हैं हम गौरी घाट का दर्शन कराते हैं, वहाँ का क्या सिटी से हम सीधा लेके आ गए गौरी घाट, और गौरी घाट का दर्शन दिखाएंगे। इधर भी दिखा, ये पूरे देखो, और बहुत ही शानदार दृश्य है, बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। हम लोग मानरपदा में नाव की सवारी कर रहे हैं। गौरी घाट का बहुत ही शानदार है, पूरा जो मानरपदा है जस्ट उसके ऊपर में बहुत ही शानदार भव्य मंदिर है, देखो देखने योग्य है। सरिया जी, हां आज हम देखने आ रहे हैं।